तो क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का सोलो कॉन्कर रैंक पुश वीडियो में। होप आप सभी लोग अच्छे हो गए, आप लोग का रैंक पुश भी अच्छा चल रहा होगा। अब इन सर्वर हैकर ने इतनी मार रखी है ना कि क्या बताएं भाई, मेरा दो मैच में 48 का माइनस हो जाता है। पहले मैच में मुझे 3 का माइनस पड़ा तो मुझे लगा भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना माइनस मैं कवर कर लूंगा। लेकिन भाई नेक्स्ट मैच में 24, फिर नेक्स्ट मैच में 24, सारा मूड खराब कर दिया भाई। इन लोगों ने एकदम डिमोटिवेट करके रखा है। लेकिन भाई मुझे पता है कि आराम से कॉन्करर हो जाएगा, तो मैं अभी टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मैंने दो मैच में करीब 54 प्लस निकाला था, उसके बाद मेरा 48 का माइनस हो जाता है। मैं सोचता हूँ भाई थोड़ी देर रेस्ट करके आऊँ ताकि ये हैकर वैकर चले जाए और मेरा मूड भी फ्रेश हो जाए, तभी इनका सर्वर भी नहीं चलता भाई। BGMI की क्या ही कहने। और आप लोग का भी सर्वर हैकर के चक्कर में माइनस हुआ करे ना, तो बिल्कुल भी निराश मत हुआ करो, क्योंकि भाई BGMI इनको बैन करेगा नहीं और अपना ही दिमाग खराब होता रहेगा। अब सबसे ज्यादा बुरा लगता है लो एंड डिवाइस वाले भाई लोग के लिए, क्योंकि भाई ये अपने बंदे आराम आराम से पुश कर रहे होते हैं और एक ही मैच में हैकर आके इतना माइनस लगा देता है ना कि पूरे दिन की मेहनत चली जाती है। आप लोग से यही चीज कहूंगा कि भाई इन सुअरों के चक्कर में बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, आराम से आपका कॉन्करर हो जाएगा 110%। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको केवल 100 प्लस निकालना है डेली का। आराम से 100 प्लस निकालो, अगर वो भी नहीं निकलता तो आप डेली का 80-70 प्लस भी निकालोगे ना, तो आराम से 20-25 दिन में कॉन्करर हो जाएगा। अब नॉर्मल हैकरों का तो ठीक था भाई, कम से कम उनको हम लोग रिपोर्ट मार के बैन तो करा देते थे। लेकिन अभी समझ में नहीं आता कि किसको रिपोर्ट मारे, हर दूसरा बंदा हैकर लगता है। कोई ना, अब उखली में सर दिया है तो मूसर से क्या ही डरना। अब बात कर लेते हैं इस गेम प्ले की, तो भाई ये होने वाला है हाई किल गेम प्ले। इस गेम में मैं क्या ही किल निकालता हूँ, बस आप लोग देखना। एक बंदा टॉप पे चढ़ जाता है और बाकी बंदे रहते नीचे, तो भाई मैं कहीं आ जा भी नहीं सकता था। और मुझे मारने के लिए बंदे इतनी तेजी से आते हैं ना कि उनका खुद का डब्बा हो जाता है। अब ऊपर वाले भाई तो हिल नहीं रहते, तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं ही निकल जाता हूँ यहाँ से। नीचे लूट कर ही रहा होता हूँ कि एक भाई साहब गाड़ी रोक के बॉट मार रहे होते हैं। देखो अब इस भाई की लॉबी चेंज करता हूँ, तभी एक और भाई आ जाते हैं राइट से। कहाँ टिपी टिपी ले रहे हो सर, यहाँ पे होल्ड कर ही रहा होता हूँ कि तभी एक भाई और आ जाते हैं, और भाई के साथ देखना क्या ही होता है, भाई को क्या ही गजब सरप्राइज मिलता है। और ये लूटने की आदत ही भाई मेरे को मरवाती है हमेशा। हो गया डब्बा भाई, दिले की मानता ही नहीं, तो क्या करें। अब गाड़ी उठा के थोड़ी सी लूट करने जा ही रहा होता हूँ, तभी सामने से एक भाई मिल जाते हैं। अब भाई को मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और सोचता हूँ यहाँ से निकला जाए, क्योंकि भाई मेरे पास एमो ज्यादा थी नहीं और फाइट लेके कोई मतलब नहीं था। लेकिन भाई तो निकलते हैं एकदम ढीट, मेरा पीछा ही करने लग जाते हैं। अब देखो कहाँ तक मेरा पीछा करते हैं। इस भाई को लग रहा था कि मैं इस भाई से फाइट नहीं लूंगा क्योंकि मेरा माइनस हो जाएगा। अब भाई का व्यायाम दूर तो करना ही था ना, तो देखो निकल गई बकैती। अब सिटी में लूट करके मैं निकलता हूँ, जैसे ही जोन में पहुंचता हूँ सामने इवेंट में फाइट होती रहती है, तो मैं सोचता हूँ भाई इवेंट जाऊँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि भाई इवेंट जाके करना ही क्या, क्योंकि भाई कैंपर बैठे होंगे और मार देंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं जोन बनने तक आराम से गाड़ी घुमाता रहता हूँ, और सोलो का फायदा भी ये रहता है भाई, आराम से गाड़ी उठाओ घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भाई लोग ये शैक देखो, इस शैक में अभी कोई नहीं रहता और जैसे मैं गाड़ी आगे से घुमा के आता हूँ ना, यहाँ पे दो बंदे लड़ते रहते हैं। तो फिर क्या, थर्ड पार्टी तो बनती है ना, क्योंकि अपना तो काम ही है भाई। अब एक भाई को मारता हूँ और मुझे पता था कि सेकंड वाला बंदा भी लो होगा, तो देखो। भाई मेरे पहुंचते पहुंचते मौली से फिनिश भी हो जाते हैं। अब यहाँ से आराम से लूट करके निकलता हूँ, तभी एक टीन का डिब्बा मेरे पीछे पड़ जाता है और भाई उसके चक्कर में मुझे गाड़ी एक स्नाइपर टावर में डालनी पड़ जाती है। अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन तभी देखो ऊपर से एक फुट, एक भाई ऊपर कैंप कर रहे हैं बढ़िया। मैं तो नीचे होल्ड कर जाता हूँ, लेकिन ऊपर वाले भाई को बहुत जल्दी थी फाइट लेने के लिए, इसीलिए भाई कूद जाते हैं। भाई को एक शॉटगन पड़ी थी, तभी पीछे ग्रोजा वाला बंदा भाई को पेल देता है। जोन भी आने वाला था, तो मैं सोचता हूँ भाई जोन का सेंटर पकड़ेंगे और आराम से खेलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता भाई बंदे इतने फटी में क्यों खेलते हैं, ना गोली चलाते हैं ना कुछ, भाई एक ही जगह होल्ड करके बैठ जाते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग भी देखना। भाई सामने शैक खाली रहता है तो मैं चला जाता हूँ शैक में, जो कि एकदम सेंटर में रहता है। भाई ऊपर एक बंदा रहता है जो कि भाई ओपन में आके मेरे पे नेड मॉली सब कर रहा होता है, लेकिन पीछे घर वाले बंदे उस बंदे को मार ही नहीं रहे होते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।